रहा सबका साथ सबका विकास, ये तो खैर उन्होंने किया, भेदभाव नहीं किया, तो मुस्लिम को भी बराबर मिली और हिंदू को भी बराबर मिली। ज्यादा जनता और जनसंख्या होने के कारण हर एक को तो नहीं दिया जा सकता। सरकार कुल मिला के ठीक नहीं चली है। समाजवादी का कार्यकाल अच्छा था क्योंकि युवाओं को नौकरी मिलती थी। न खत्म राखी से इससे बढ़िया कम सरकार पर हो तो बताओ हमका। दो साल भाई बंद हो गए जो पढ़ी मैं भूल गए। वोट दे रहेगा तो हम साकेल पर दे और जहाँ तक हमारे उपाय लगे कोई हमारे कहे दी थी कर दिया। नमस्कार, मैं जयप्रकाश और चुनावी कवरेज करते करते आज पहुँचे हैं भैया इस गाँव का क्या नाम है? नौबना। नौबना में देखते हैं लोगों से बात करते हैं क्या यहाँ पर लोगों के विचार हैं, कौन सी सरकार। क्या नाम आपका? सुखीराम। सुखीराम जी, सुखीराम जी कैसी रही 5 साल की सरकार? सरकार कुल मिला के यहाँ जैसे तैसे चली, ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, कहे कुछ नहीं हुआ। जस रहा तैसे हैं। सपा सरकार कैसी रहे? सरकार सपा के ऐसे चलता रहे। सपा भाजपा में कोई फर्क नहीं देखा? सपा की सरकार में यहाँ ऐसा रहा है कि सपा जो देत रहा है तो उमा से कुछ माँ कुछ मिल जाता रहा है और ईमा है तो कगजे बनवाओत बनवाओत परेशान हो गए ना। तो हम कौन बताए कि नहीं सही चला। कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं मिला। महीना में यहाँ 2 चक्कर राशन मिला तो खेतवा जो 2 बीघा बोए रहा तो 1 किलो राशन नहीं लाए मिला घर का। तो अब हमका तो जना था हमारे घाटे बैठ हुआ फायदा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब ये बात बताओ आगे अगर सरकार मतलब की सरकार बनेगी संभावना की सरकार बनेगी? भैया हमारे ही हमार तो विचार है कि अखिलेश की सरकार है। अखिलेश की सरकार अगर अखिलेश की सरकार बना तो उससे का तुम्हारा मुद्दा रही है? काम ले आओ सरकार से। सरकार का अब जो मुद्दा वे बता रहे हैं और जो वादा वे कर रहे हैं अगर वादा करते हैं तो उसको पूरा करेंगे तो हमको फायदा होगा। भाजपा में कोई फायदा नहीं होगा? कुछ नहीं फायदा। कुमार यादव। विनय कुमार यादव जी कैसी रही 5 साल सरकार? कुल मिलाए कि यहाँ गड़बड़ रही। क्या गड़बड़ रहा हमारे हिसाब से? हाँ क्या गड़बड़? हाँ तो आपके विचार पूछ रहे हैं। हाँ तो हमारे हिसाब से गड़बड़ ही मतलब जैसे कि आप 5 साल में एक तो बच्चों का भविष्य गड़बड़ हो गया। हाँ मेन चीज़ जो हम सबको मेन चीज़ मिलता है ना वो चीज़ गड़बड़ हो गया। उसके बाद में हम बताएं आपको जैसे माना कि किसी को चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? चैन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग ना तो उनको दिन में चैन है ना तो रात में चैन है। किस लिए? वो इसलिए कि वो बेचारे सारी रात सारी रात तो खेत के पास बैठते हैं 5 किलो के चक्कर में सारी रात बैठते हैं खेत में और सुबह होती मतलब सुबह होती उनकी आंखें लग गई। कोई सारी रात तो मतलब जागेगा नहीं। सुबह होती आंखें लग गई, जब आंखें खुली तो देखते हैं कि रात भर की जितनी भी मेहनत थी उनकी जो भी बचाए थे सुबह देख रहे हैं कि बराबर हो गया। फिर काम मिला, रोजगार तो मिला, किसी दिन छुट्टी नहीं है। आज राशन कार्ड में जुटे पड़े हैं पूरा दिन लगा दिए तो कल कोई आ गया मतलब नया कार्ड कि आज इसको ऑनलाइन कराना है तो 4-5 दिन उसमें लग गया। फिर बोले कि अब आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराओ, अब 8 दिन उसमें बीत गया। तो जब सब कुछ तो बीतता ही रहता है उनका तो मतलब बेरोजगार तो नहीं है, रोजगार तो है उनके लिए, मतलब रोज का रोजगार है उनके लिए लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन यार पैसा कहाँ से आएगा? अब माना कि हाँ मोदी जी खाने के लिए दे रहे हैं यार तो काम चलने वाला नहीं है उससे। काम इसलिए नहीं चलने वाला है उससे कि माना 5 किलो हमें मिल गया तो यार 5 किलो में हम कितना क्या कर लेंगे? एक ही इंसान का अगर देखा जाए तो एक महीने में 5 किलो से ज्यादा खाता है। आप किसे सपोर्ट करेंगे इस बार? हम तो अखिलेश यादव को सपोर्ट करेंगे। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार यादव। रमेश कुमार यादव, हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है, चल रहा है। किसकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव, क्या भाजपा में क्या हुआ? भाजपा में क्या हुआ जो कहते हैं चलती है? सुनो हम बता रहे हैं फिर से। नहीं तुम बताओ तो तुम्हारे विचार क्या है? चलेगी साइकिल, उड़ेगा धूल और नहीं रहेगा कमल का साला फूल। अखिलेश मेरा भाई है। अच्छा जी, मैं उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। अरे बाबा की क्या कमी, मतलब इतना क्या कमी ये है? कमी ये है बता रहे हैं कि योगी ने तुमको रोजगार दिया है। क्या दिया है? साले खेत में अगर डंडा लेके ना बैठे 10 बीघा बो रखे हैं, ठीक है 10 बीघा अगर जो बो रखे हैं 10 मिनट के लिए अगर जो उससे छूट जाए तो जानते हो क्या, वो खेत बेकार जाएगा। खेत बेकार जाएगा, जानवर चर के चले जाएंगे। अच्छा जानवर किस लिए छोड़ा गया? साले हम ये बता रहे हैं कि जब गौ छोड़ा गया है तो भैंसी क्यों नहीं छोड़ी जाती? भैंस के लिए क्यों खरीदारी चालू होती है? उसको सालो बंद करो, उसे बंद करें, उसे बंद कराइए, तब तो मान सकते हैं कि सारे जानवर छोटे हुए, वो जानवर क्यों बंद नहीं होता? तो एक चीज और बात है कि गाय कहीं मगर वो उसको क्या है गाय? हाँ सरकार की नहीं है, जब उसको बिक्री नहीं होगा क्या लोग उसे वो खाएंगे दूध? पहले गाय कटत रहे, हाँ अब कटत बंद। आप किस लिए बंद हुआ वो?
भाई कटत रहे पाप, किस लिए बंद हुआ वो? कटत रहे पाप पड़त रहे। हाँ इसलिए तो जानवर कटने से जो भैंस कट रही तो पाप नहीं पड़ रहा। हमको लोगों को आजादी चाहिए। आजादी तो आजादी नहीं है क्या? आजादी है। मोदी इसने किया ऐसा सिस्टम कि हमारा देश बेच दिया। कितने पे बेचा है? हाँ, तो क्या बेचा? वो 1 किलो नमक पे हाँ। और 5 किलो गल्ले पे बेचा है। अच्छा और सन 2022 के आने से चुनाव से पहले 24 में जो चुनाव आएगा हमारा अगर जो भारत देश बच के अगर जो दिखा देगा तो हम इस मंजरे में मुंह नहीं दिखाएंगे। अरे तो बिका क्या है, मतलब वो बताएंगे? हमारा पूरा भारत देश, हमारा पूरा जनता। कौन खरीदा इसे फिर? इसे खरीदा योगी और मोदी मिलकर के। योगी मोदी बेचा कौन फिर इसे? मोदी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री। मोदी खरीदा तो इसमें क्या फर्क है? खरीदे हैं विदेश वाले। चलो ठीक है, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम रईस अहमद है। रईस अहमद जी, क्या माहौल इधर चुनाव का? ठीक माहौल है, बढ़िया चल रहा है। कैसी रही 5 साल की भाजपा सरकार? बढ़िया रही सरकार, ठीक रही है। अब जो बोया है वही काटेंगे। नहीं तो बताएंगे रिजल्ट? नहीं अच्छा रहा, बढ़िया रहा, ठीक है, बढ़िया रहा। कई लोग बोले अच्छी नहीं सरकार है। अपने अपने हिसाब से सब ठीक है। अपनी क्या अच्छाई क्या है इस सरकार में? कई चीजें अच्छी होती है, कई चीजें बुरी होती हो तो होता है नेता में। देखो मैं पत्रकार हूँ, आपकी बातों को सामने ले जाता हूँ। अब जो चीज आप बताएंगे वही तो दूसरे जानेंगे। वो चीज बताए, क्या बताए, मतलब क्या सरकार अच्छा क्या क्या गलत? कई चीजें हैं, जैसे श्रम कार्ड वाला आया, पैसा आया। आया पैसा? हाँ बहुत लोगों में आया पैसा। अच्छा जी। और फिर राशन वितरण हो रहा है। कई चीजें अच्छी हैं। अच्छा जी। थोड़ा गाय सांड से समस्या आए हैं, बाकी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब कई हमारा तो कई जगह क्षेत्र हमारा भ्रमण होता है, कई लोग बोलते हैं कि भाजपा सरकार हिंदू की सरकार है, क्या सही है? नहीं ऐसा नहीं, भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा तबका जो है तो मिलजुल के चल रहा है। और ये है कि कमी और अच्छाई तो हर पार्टी के अंदर होती है, तो कमी को नहीं देखना चाहिए, अच्छाई को देखना चाहिए इंसान की। तो भाजपा सरकार में अच्छा ज्यादा हुआ है कि बुरा ज्यादा हुआ है? इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है हमको, दुकानदार आदमी है, टाइम नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है हमारे हिसाब से सब ठीक है। क्या नाम आपका भैया? मेहताब अहमद जी। मेहताब अहमद। मेहताब अहमद जी, कैसी रही 5 साल की सरकार? 5 साल की सरकार अच्छी रही और कार्य भी अच्छा किया, लेकिन कुछ कार्य जो हुए वो ठीक नहीं हुए। क्या वो नहीं ठीक? जैसे कि ऐसा योगी जी का भड़काऊ बयान रहा, मुसलमानों मुल्लाओं उठाओ अपना अपना झोला उठाओ पाकिस्तान जाओ, ये सब चीज़ें ठीक नहीं रहीं। बाकी जो नारा रहा सबका साथ सबका विकास, ये तो खैर उन्होंने किया, भेदभाव नहीं किया ना हिंदू में ना मुसलमान में, उन्होंने कार्य भी किया और महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन भड़काऊ बयान रहा और उकसाने वाला बयान जो उनका रहा वो दुख देने वाला रहा, वो दुख देने वाला, और बाकी तो सही रहा। बाकी अगर जो स्कीमें निकाली योगी जी ने, क्या सभी लोगों को मिली? हाँ, जैसे कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाजपा सरकार हिंदू की सरकार है, तो इसमें क्या बोलेंगे? नहीं, भाजपा सरकार हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं इसमें, उन्होंने जो कार्य किए मुस्लिम को भी बराबर मिला, आवास मिली तो मुस्लिम को भी बराबर मिली और हिंदू को भी बराबर मिली, और राशन कार्ड मिला तो वो सबको सरकार बराबर राशन दे रही है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। वो कार्य अपना जो कर रही है सही से कर रही है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा जनता और जनसंख्या होने के कारण हर एक को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन मिलता है, कम मिले या ज़्यादा मिले मिलता है, ये तो खैर कहेंगे कि मिलेगा, मिला है 5 साल में, और जो उन्होंने किया ठीक किया है। पुलिस प्रशासन इस सरकार में कैसा रहा? हाँ, पुलिस प्रशासन सही रहा। हाँ। गुंडाराज जो था, हाँ। गुंडाराज कम हुआ। अच्छा। चोरियां कम हुई, ये खैर तो कहेंगे कि हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ। हाँ, आपकी उम्र इतनी हो गई कि आपने बसपा की सरकार भी देखी होगी? बिल्कुल देखी है। सपा की भी देखी? बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी है। तीनों सरकार में क्या फर्क? तीनों सरकार में फर्क ये है कि इस सरकार में जो हुआ उसमें जो अखिलेश भैया गए इससे पीछे, उन्होंने अपना कार्य तो दिखाया खूब, लेकिन इतना नाम नहीं हुआ। इस भाजपा सरकार में इतना कार्य तो नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन टाइट हुआ। हाँ। प्रशासन टाइट हुआ और जो कार्य रुका हुआ था वो पूरा किया गया। हाँ। और लोगों का लड़ाने का काम जो था वो इस सरकार में है, अदर सरकारों में नहीं थी। इस सरकार में लड़ाने का नहीं थी, सपा में नहीं पाएंगे। आप लोग किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो सपा को सपोर्ट करते हैं जी। पहले भी हमने कई बुजुर्गों से पूछा है, कई लोग बोल रहे थे पहले अपने जो जानवर हैं उनके मतलब उनके पास खाद डाल के लेटना पड़ रहा था, इस सरकार में ऐसा क्या वैसा ही कि कुछ बदलाव आया? चोरी चपाती? हाँ, उस सरकार में यह था खाद डालकर लोग एक आदमी जाता था खेत में और रहता था, इस सरकार में यह है कि पूरा परिवार खेत में रहता है। खेत में रहता है मतलब घर पे चोरी नहीं होती है खेत में? तो अब जब खेत ही चला जाएगा तो आदमी को घर ही खेत ही से आदमी को, क्योंकि चूंकि किसान तबका है ये, और अगर इसको किसान को खेत से कुछ नहीं मिलेगा तो घर क्या करेगा? गरीब आदमी उसका घर में है क्या? सब कुछ तो खेत में है और खेत में पड़ा है बेचारा। क्या नाम आपका? हाँ, क्या नाम? अशरफ अली। अशरफ अली जी, कैसी रही सरकार? ये सरकार कुल मिला के ठीक नहीं चली है। क्या नहीं? क्योंकि किसान का बहुत भारी नुकसान हुआ हमारे इलाके में, मंझरा गांव पड़ता है। हाँ। तो वहाँ अभी कटान हो गया था। हाँ। तो इस सरकार के इतने गैर जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं सरकार में, तो कोई जिम्मेदार आदमी यहाँ देखने के लिए नहीं आया।
यहाँ मंझरा के लोग बहुत परेशानी में थे, उनको 8-8 दिन तक खाना नहीं मिला है मंझरा के लोगों को। लेकिन सरकार के कोई भी उच्च अधिकारी और कोई भी बड़ा नेता यहाँ हमारे मंझरा मिर्जाओं में देखने नहीं आया है। ये कब की बात है? ये अभी 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने की बात, बाढ़ का बहुत तगड़ी बाढ़ आई थी, काफ़ी कम से कम हजारों बीघा जमीन कट गई हमारे इलाके की, मगर कोई हमारे यहाँ देखने नहीं आया है। और यही सपा की सरकार थी, तो हम आपको बता दें गंगापुर भिवरा में नहर कट गई थी, तो हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत बाढ़ सामग्री जो आती है सरकार की तरफ से वो पहुंचाया जाता था। आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम समाजवादी के लोग हैं। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, समाजवादी का कार्यकाल अच्छा था, अच्छा, क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली नहीं। 22 में किसी सरकार में? बस अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, धन्यवाद आपका। हाँ बाबा, क्या नाम आपके? अरे हमारे का नाम है तीरथ। तीरथ राम, किसकी सरकार बनी? मोदी जी की रही कि मुलायम रही? ये के बताओ जी, बंदी वोट देना, किसका वोट दे हो तुम, किसका सपोर्ट करियो? मोदी जी का। मोदी जी का, अच्छा जी। कुमार जी, क्या माहौल, आप तो फेरी में निकल रहे हैं, पूरा क्षेत्र आपने देखा होगा, क्या माहौल इधर चुनाव का? भाजपा का लग रहा है, भाजपा का ज्यादा लग रहा है। भाजपा 5 वर्ष रही है भाजपा की सरकार, और फिर आप भाजपा को ऐसे क्या कर दिया भाजपा, जो ऐसा है भाजपा में है क्या है, कुछ बताएंगे आप? है ऐसा जैसे होल है, जैसे घूस फूट लूटपाट ये सब नहीं होता है। अच्छा, जैसे है। और पहले इस सरकार में ऐसा होता था? पहले हो रहा था। अच्छा अच्छा, कुछ दबाव पड़ रहा है चोरी पाटवाट से। अच्छा, सिस्टम पुलिस प्रशासन और बाकी सर्विस की सरकार ऐसे मतलब कैसे नहीं सरकार में? ऐसी बढ़िया है सरकार में भाजपा के। अच्छा, भाजपा सरकार में अच्छा। अच्छा। आप किसे सपोर्ट करेंगे? भाजपा को। क्या नाम है आपके? लाल जी। लाल जी, हाँ। लाल जी, 5 साल की सरकार कैसी रही? 5 साल के जो मोदी की सरकार रही होगी, हाँ। कैसी सरकार रही? 5 साल सरकार रही, 20 साल पाछे पछेल दी, अब क्या होगी चाहिए? 20 साल पछेली? अब 20 साल पाछे पछेली का है, ऐसा क्या हुआ? न खतवा में बिरवा राखी से, और न खतवा तो बिरवा छोड़ दो। अभी बताओ गाड़ी एक लाख के लेके आ रहा हूँ, ठाड़े बुढ़ चौधरी तेल डारा बजूर है। तो 1 लाख के गाड़ी तुम 1 लाख के तुम गाड़ी ले आए हो, हाँ। और मैं 120 रुपये लीटर तेल नहीं डाल, 120 रुपये लीटर, पहले 40 रुपये लीटर बिकात रहे थे, 120 बिकाता, अब इससे बढ़िया कब सरकार पे हो तो उन बताओ हमका। नहीं, हमें ना तुमसे सरकार बढ़िया ना है का? हमारे लिए ना बढ़िया है, हमारे लिए कौनो में ना बढ़िया। एक बात और बताओ, 120 रुपये में तेल होगा तो सब चीज पर तो महंगाई भाई, जिससे जब 40 रुपये में रहा तो मजदूर पा उतना 200 रुपया, 15 रुपया क्या रही हो, गत्ता बढ़ के पान बेच खा रही हो, अब हमते भाई झगड़ा न करो, बात ना बताओ। हम झगड़ा ना करी थे। तो बात बताओ, 2 रुपये का पान मिलत रहा, 1 रुपये का, 7 रुपये का, 8 रुपये का पान मिला, तो सब पर तो महंगाई भाई है। तो जी सब बातें छोड़ दो, 2 साल 8 साल लड़का पढ़े न, और 2 साल भाई बंद हो गए, जो पढ़े न भूल गए, अब क्या करी भाई, 2 साल भूल गए कि ना भूल गए? तो दूसरी उम्मा तो 2 साल में तो सब कोई बंद रहा, 2 साल में सब कोई तो काहे बंद रहा है? तो जान से प्यारा है, बंद है बद का तरह, नटई काटे बद का बैठे मोदी जोगी, तो नटई काट रहा है मोदी जोगी, नटे भाई कोरोना चलत रहा है, कितना आदमी हुआ हमारा नदी काट ली, बूढ़ा होगा और मनई बूढ़ गए नदी में चले गए, तो कोई पता लगा ही नहीं, कोई पता कोई पता लगा ही, मैं बताओ लड़का बूढ़ी गवा मनई मर गए, हाँ। और सत्यानाश हो गए, सब सब दुगो हो गया, चला गवा 4000 गाय सब मरी परी, बताओ थे कि हम दान करें हैं। को कहा था दान करें? दान जोगी बाबा बताओ थे करें हैं, जोगी बाबा बहुत सन्यासी बाबा बैठे, दान ना करी नहीं, सब लोहे माया दी ने, लेकिन वही बताओ थे हम गौदान किया है भैया, बूझो वोट देख रहेगा तो हम साकिल पर दे, और जहाँ लग हमारे उपाय लगी कोई हमारे कहे दी थी कर तो के लिए जब रहे, हाँ। तो आते पर हलो करी थे, हाँ। तो वत्ते खंड डिलीवरी वाले के गाड़ी खड़ी है, फट दे उठा ले, उठा ले था, और अत्ते जने बैठो सब जने झगड़ा करो, हाँ। और तुरंत फोन करे, हाँ। और तुरंत जो है वो 100 नंबर पहुंच गए, हाँ। तो हमारे पर सहायता करी नहीं, हाँ। और ये बता दे कौन सहायता करे नहीं, तो अब दूसरी बात ये दो चीज अगर योगी सरकार की, तो योगी डायरेक्ट अपना दिन है, हाँ। कोई परेशानी ऊपर फोन करो, योगी सरकार इतना करी नहीं, क्योंकि जितना दुनिया रहा है तो छूट है, जितने बड़े बड़े हुए हैं तो हमारे पैर पर नटे इधर खाद रहे हैं, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ बस खाली खाद रहे, लेकिन अत्य आदमी है, हाँ? इनसे बूझो योगी मोदी जो है, तो कोई कहा योगी दूसरे
रुपया दे दिए थे खेतौनी के और कोई कहाँ दे दिए थे 5 किलो गल्ला। तो जिनके जो मधवापुर का जात रहे उनके चटैया भर खेतवा नहीं है और ना कोनो व्यवस्था है, तो वो वत्ता पा जाते हैं तो वो एक दिन उनका बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो भैया बढ़िया है, अच्छा वो सारी संपत्ति लूट गए तो ना आप नहीं देखियो 20 रुपया दे के मिहपुरवा बैठित रहे और तो चले जाते रहे कहाँ वहाँ मंडी तिकुनिया। कब कब की बात है? अरे भाई जब मोदी नहीं भय थी जब पहले के मोदी जब थे भय तब की बात बताओ। अब 500 हो तो जाई न 500 हो तो घरे बैठ रहे। तो सब चीज पर तो महंगाई है कि खाली वही पर महंगाई है? खाली तो वह किन वह की सब चीजन पर महंगाई। अरे फसल किसान बीमा योजना का नाम सुने हो? है फसल किसान बीमा योजना को दिया है? है? कोई दिया सरकार तो निकाली से, तो सरकार निकाली से जो सरकार निकाली से तो जबके उन्हें के रहे मोदी दादा के रहे तो वह मोदी दादा के खाए बधे। इस क्षेत्र में कोई नहीं मिला? कुछ नहीं हमको मिला। छात्र कोई बताओ हमको मिला है? किसान निधि निकाली? हाँ तो कोई मिला हो? तो वो मिला ताजमुद्दीन जी। 5 साल की सरकार कैसी रही? 5 साल की सरकार रही है और तो घर बचा हुआ हम पे खेतवा बचे। हाँ सरकार बढ़िया सुविधा के से ले लो कुटुआ चलो खेतवा टहरा और घरे में हरुआ घर बचा हुआ घरे में हरुआ घर बचा। हाँ बस ये इतना हुआ है? बस ये इतना हुआ है। और क्या हुआ है? और कुछ हुआ नहीं? और ये कुछ नहीं भवा यार, कुछ नहीं भवा। बस जो योगी जी अत काम किए नहीं सड़वा छोड़े नहीं रोजगार दिन नहीं दिन कोई इस क्षेत्र में रोजगार है? यहाँ तो रोजगार हुआ है।